कई महीनों से टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा स्टैनकोवा की तलाक की खबरें उड़ रही थी, लेकिन अब इस खबर पर हार्दिक पांड्या की तरफ से मुहर लग गई है। हार्दिक और नताशा दोनों ने तलाक का ऐलान कर दिया है। टीम इंडिया ने पिछले महीने ही T20 वर्ल्ड कप जीता है। फाइनल में जहां स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जीत के हीरो रहे, लेकिन शादी की पिच पर उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। पिछले कई महीनों से हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा स्टैनकोविक की तलाक की खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैर रही थीं। लेकिन अब हार्दिक और नताशा दोनों ने इस पर मुहर लगा दी है। अब उनकी राहें जुदा हो गई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोनों ने तलाक का ऐलान कर दिया है। हार्दिक पांड्या और नताशा की शादी सिर्फ 4 साल ही चल पाई। आईपीएल के दौरान दोनों के तलाक की खबरें हर तरफ छाई हुई थी, लेकिन तब हार्दिक और नताशा दोनों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। हालांकि बीच बीच में इस खबर को अफवाह भी बताया गया, लेकिन अब दोनों ने तलाक की पुष्टि कर दी है। हार्दिक जब आईपीएल में खेल रहे थे, तब से ही अंदाजा हो गया था कि उनके और नताशा के संबंध खत्म होने की कगार पर हैं। हार्दिक और नताशा ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर अलग होने की जानकारी शेयर की। हार्दिक पांड्या ने लिखा, नताशा और मैंने 4 साल साथ रहने के बाद आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। हमने इस रिश्ते को बनाए रखने की पूरी कोशिश की और अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन अब हमें लगता है कि हम दोनों के लिए यही सही फैसला है। ये हमारे लिए बहुत मुश्किल फैसला था। हमने साथ में खुशी के पल बिताए, एक दूसरे के सम्मान का ख्याल रखा, एक फैमिली के तौर पर आगे बढ़े। नताशा कुछ दिन पहले ही हार्दिक का घर छोड़कर अपने पेरेंट्स के पास चली गई थी। नताशा और हार्दिक ने अपने बेटे अगस्त्य के बारे में भी बताया। उनका कहना है कि वो दोनों मिलकर उसकी परवरिश करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिले। उन्होंने अपने फैंस से समर्थन और प्राइवेसी का सम्मान करने की भी अपील की है। हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक ने 1 जनवरी 2020 को सगाई की थी। कोरोना महामारी के दौरान दोनों की 31 मई 2020 को शादी हुई। 30 जुलाई 2020 को नताशा ने बेटे अगस्त्य को जन्म दिया। 14 फरवरी 2023 को नताशा और हार्दिक ने उदयपुर में दूसरी बार ग्रैंड वेडिंग की थी। नताशा सर्बिया की रहने वाली है। वो पेशे से मॉडल है। साल 2012 में वो भारत आई थी। उन्होंने बॉलीवुड में भी किस्मत आजमाई, एक फिल्म में आइटम सॉन्ग भी किया। नताशा बिग बॉस 8 और नच बलिए जैसे शो का हिस्सा भी रही हैं। हार्दिक से मुलाकात के बाद दोनों ने शादी का फैसला लिया था, लेकिन अब 4 साल के बाद दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं छोटे से।